पीओके को लेकर अजीत डोभाल का प्लान तैयार हो चुका है। अखंड कश्मीर के मिशन में अजीत डोभाल जुट चुके हैं। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाम नाराज है। पिछले कई महीनों से नाराजगी खुलकर अब सामने भी आ रही है। पीओके की आवाम भारत से पहले भी गुहार लगा चुकी है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद हैं अजीत डोभाल। मोदी सरकार में तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं डोभाल, जिनकी ओर से पीओके को लेकर पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सिर्फ उसका इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। एनएसए अजीत डोभाल की ओर से पीओके को लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है, खाका पूरा तैयार हो चुका है। तीसरी बार एनएसए नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बार फिर से अजीत डोभाल को बनाया गया है और अजीत डोभाल का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन का पूरा प्लान बताया जाता है कि तैयार हो चुका है। लगातार तीसरी बार अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया है। 2014 से ही अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ एनएसए के तौर पर काम कर रहे हैं और इस दौरान देश ने बालाकोट जैसे ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। डोकलाम, गलवान, लद्दाख में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाई है। अब बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है, खासतौर पर पीओके को लेकर, क्योंकि पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नाराजगी आवाम में बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। और खुलकर अब ये सामने भी आ चुका है। ज्यादा डिटेल्स उस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजीत डोभाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ली। अजीत डोभाल को भी तीसरी बार एनएसए बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारियां क्या होंगी और एजेंडे में क्या क्या शामिल रहेगा? अजीत डोभाल के नेतृत्व में 2014 से लेकर अभी तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले 10 सालों में अगर देखें तो जिस तरीके से देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए जो फैसले सरकार ने लिए हैं, उसमें अजीत डोभाल का बड़ा अहम रोल रहा है। और उन फैसलों में अगर देखें तो उसके नतीजे ऐसे निकले हैं कि जो शायद आज तक कभी हुए नहीं। और इस बार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आज भी सरदर्द बना हुआ है, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर में कमी आई तो अब कश्मीर में जो शांति थी उसको भंग करने के लिए पाकिस्तान जम्मू को टारगेट करने लगा, आम लोगों को निशाना बनाने लगा, टारगेट किलिंग होने लगी और रिलीजियस यात्रा ये कहा जाए तो उसको निशाना बनाया गया था, जैसे शिवखोड़ी से वापस लौट रही बस पर निशाना बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है सबका अगर अंत कर रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शांति को बनाए रखना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरहद पार बैठे आतंक के कैंप और उस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। इसी चीज की प्लानिंग जो है वो की जा रही है और जो सूत्र बता रहे हैं इस बार जो एनएसए की प्लानिंग है वो यही है कि उस जड़ को उखाड़ फेंका जाए आतंकी, और इसके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जहां पर आतंकी ठिकाने हैं या जहां से आतंकवाद का जन्म होता है उसका अंत करने की प्लानिंग कर दी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, भुखमरी है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब से तंग आकर लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पहले ही दुखी हैं। और ऐसे में ये सही समय हो सकता है भारत के लिए भी कि उस आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उनका अंत किया जाए और उन लोगों की कहीं ना कहीं मदद की जाए जो लोग जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे मगर पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा करके रखा है। बिल्कुल, देखिए तीसरी बार अजीत डोभाल पर विश्वास जताया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से और अजीत डोभाल के नेतृत्व में कई बड़े ऑपरेशंस भी लीड किए गए हैं पिछले 10 सालों में भारत की ओर से। और अब अगला एजेंडा, अगला टारगेट पीओके है, साथ ही साथ अजय आतंक का खात्मा भी है। दो दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जो हाई लेवल मीटिंग की थी उसमें भी एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। क्या अब ये माना जाए कि अगले टारगेट में पीओके तो है ही, चूंकि इस बात का जिक्र कई बार कई बड़े नेताओं की ओर से बीजेपी के चुनावी रैलियों में भी किया गया, वहां की जनता में भी खासा आक्रोश है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, साथ ही साथ आतंक का खात्मा भी अब एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी पर। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो गृहमंत्री ने मीटिंग की है कुछ दिन पहले उसमें भी साफ कहा गया है कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया जाए, उस पर कोई भी कोताही बरती गई तो उसमें बख्शा नहीं जाएगा
तो जो हिंटरलैंड में आतंकवाद है उसका समाप्ति के लिए काम तो हो रहा है, मगर उसके साथ साथ प्लानिंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग इस तरह की है कि जिससे सरहद पार आतंकवाद जो के ठिकाने हैं उनका अंत किया जा सके। क्योंकि आप देखें तो जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल वापस कायम हुआ था, मगर अब एक बार फिर से जब देखें तो पाकिस्तान की तरफ से नई सरकार आने के बाद जो यहां पर फिर से आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, उस आतंकवाद को बार बार कुचलने का जो काम है उसके उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं भारत की और सरकार की कहीं ना कहीं पॉलिसी ये हो सकती है कि अब उस जो है उस जगह को कुचला जाए, उस ठिकानों को कुचला जाए जहां से आतंकवाद जो है पनपता है। तो वो ठिकाने सारे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। और आपको ये भी बता दूं कि वहां पर जो आतंकी बनाए जाते हैं, जहां से उन लोग युवाओं को आतंकवाद की पूरी तरह से कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, ब्लूप्रिंट इसका तैयार हो चुका है। आपका अजय शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए।